गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, मैं फिर आपके सामने अंकुमा मिश्रा। क्लास फिफ्थ का आपका है सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको चैप्टर 6। इसके पहले आपका था काइंड्स ऑफ नाउन, जिसमें मैंने दो वीडियो लेक्चर बनाई थी, तो आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में समझ में आ गया होगा कि नाउन्स क्या होता है और नाउन्स के प्रकार के बारे में। ठीक है, अब हमारे चैप्टर 6 में है नाउन्स में आपका सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउन्स आपको पता है ये पर्सन, प्लेस और थिंग में आता है, तो उसमें भी आपका सिंगुलर नंबर क्या है और प्लूरल नंबर क्या है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर से आप वाकई परिचित हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फोर्थ क्लास में आप थोड़ा सिंपल तरीके से समझेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ चीजें ऐसी होती है, कुछ वर्ड्स कुछ लेटर जोड़े जाते हैं जिसमें वो सिंगुलर रहेगा तो आपको उसको प्लूरल नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर नंबर का डेफिनेशन क्या है। ए नाउन स्टैंडिंग फॉर वन पर्सन, सिंपल सी बात है, सिंगुलर मतलब एक वचन, जिसमें एक व्यक्ति या एक एनिमल या एक प्लेस या एक वस्तु के बारे में बात करी जा रही हो, वो हमारा क्या हो जाता है, एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर हो जाता है। एक वचन में आपका एग्जाम्पल में क्या आ सकता है, जैसे बॉय हुआ और क्या हो सकता है, बल हुआ, ये सब क्या है सिंगुलर, वन पर्सन है, कैट हुआ, ठीक, ये तो वन पर्सन है ना, एक वचन के बारे में बात हो रही है, तो आपको सिंगुलर नंबर सिंपल सा है, परिचय हो गया है उसका, आपको कोई दिक्कत है नहीं कि सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, जिसमें आपका एक पर्सन, एक प्लेस और एक एनिमल और एक थिंग, यानी इन सब में से किसी एक व्यक्ति वस्तु या जानवर या जगह के बारे में बात हो रही हो तो वो हमारा सिंगुलर नंबर होता है। ठीक, अब हमारा आ जाता है प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर मतलब एक से ज्यादा होते हैं ना, जिसमें एक से ज्यादा की बात की जा रही वो हमारा बहुवचन हो जाता है। पढ़िए डेफिनेशन, ए नाउन स्टैंडिंग फॉर मोर देन वन, मतलब एक से ज्यादा पर्सन रहे, एक से ज्यादा एनिमल रहे, एक से ज्यादा जगहों के बारे में बात हो रही हो, एक से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात हो रही हो, तो वो हमारा प्लूरल नंबर कहलाता है, वो हमारा बहुवचन कहलाता है। ये सिंपल सा तरीका है, आपको पता चल गया है कि सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर क्या है। तो चलिए प्लूरल नंबर की एग्जाम्पल में देखिए क्या आता है। एग्जाम्पल में जैसे बॉय है तो बॉय का बॉयज होगा, गर्ल्स का गर्ल्स होगा, कैट का कैट होगा। ये इतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसमें भी आपको क्या कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो नाउन में आपको ऐड करना रहता है, ये तो जानते हैं कि जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब क्या है, नाउन ही है ना। नाउन क्या है, पर्सन प्लेस और थिंग, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो नाउन कहलाएंगे, और नाउन में हमें सिंगुलर और प्लूरल नंबर पहचानना है, सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपका क्लियर हो गया है। अब बुक के थ्रू देखिए उसमें क्या आपको ऐड किया गया है। नाउन्स में सिंगुलर एंड प्लूरल, देखिए सिंगुलर नंबर में क्या दिया गया है, यह आपको डेफिनेशन में समझा रही हूँ, हाउ टू फॉर्म प्लूरल नाउन्स। अब प्लूरल नाउन्स को मतलब आप सिंगुलर तो समझ ही पाएंगे, प्लूरल नाउन्स में कैसे यूज करना है उसका उसके बारे में दिया गया है। इन मोस्ट केसेस वी फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग एस, सिंपल सी बात है, आप हमेशा समझते आ रहे हैं प्लूरल में हमेशा हम एस जोड़ देंगे तो वो बहुवचन हो जाता है, होता तो है ठीक है, लेकिन इसमें भी और भी चीजें जो जोड़ी जाती है जिससे वो प्लूरल नंबर कहलाते हैं, प्लूरल नाउन्स कहलाते हैं, जैसे बॉल बॉल्स, बर्ड बर्ड्स, लायन लायंस, डोर डोर्स, एग एग्स, मंथ मंथ्स, यानी सिंगुलर नाउन दिया गया है और प्लूरल नाउन्स दिया गया है। तो नाउन्स एंडिंग इन अ रेशिंग साउंड, अब देखो साउंड में कैसे हमें जोड़ना है, उसमें हमें एस डबल एस एस एच सी एच और एक्स, ये सब क्या हिसिंग साउंड है, जैसे बस बसेस, क्लास क्लासेस, डिश डिशेस, बंच बंचेस, बॉक्स बॉक्सेस, आ रहा है हिसिंग साउंड आ रहा है, वही हमारा है, तो इसमें क्या क्या ऐड करना है वो ध्यान रखिए आप। तीसरा क्या है, सॉरी बट नॉट दैट द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन, ऑक्स का हमेशा ऑक्सन ही होगा, ये याद रखेंगे, ऑक्स सिंगुलर है, ऑक्सन प्लूरल है। नाउन्स एंडिंग इन ओ, ओ साउंड में देखिए मैंगो मैंगो,
पोटेटो। अब देखिए ओ साउंड में हमेशा हम क्या जोड़ा है, ई एस जोड़ा है। जब आपका ओ साउंड आता है मैंगो के जैसे लिखे हो ना, तो इसका सिंपल सा है मैंगोस। क्या जोड़े हैं हमने, ई एस जोड़ा गया है। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ओ जब बनेगा तो हम ई एस जोड़ेंगे। ये सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है। उसके बाद आपका अगर बट रिमेम्बर करें तो प्लूरल फॉर्म ऑफ फोटो, तो फोटो का हमेशा फोटोज होगा। एंड दैट ऑफ पियानो इज पियानोस, याद रखेंगे आप, इसमें सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। नाउन्स एंडिंग इन एफ और ई, नाउन के एंड में एफ और ई जोड़ा जाता है। देखिए थीफ एफ ए लास्ट में थीफ से, लाइफ लाइफ से, वॉल वॉल्स है। ठीक इसी तरह से आपको नाउन्स एंडिंग इन एफ और ई, सॉरी बट रिमेम्बर द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स एंडिंग इन एफ। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन्स हैं जिसमें हमें एंडिंग में एफ का प्रयोग करना पड़ता है। चीफ चीफ्स, ड्राफ्ट ड्राफ्ट्स, रूफ रूफ्स, होफ होफ्स। एफ दिया गया है लेकिन हमें एस जोड़ना है, ये याद रखेंगे। एक सिंगुलर नाउन है और दूसरा प्लूरल नाउन है। रूफ रूफ्स, हैंडकरचीफ्स, डिवोर्स आल्सो एक्सेप्टेबल। यही आपका नंबर है, यही आपका नाउन है। इसी तरह से हमें सिंगुलर नाउन का पूरा नाउन बनाना है। नाउन एंडिंग विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, कॉन्सोनेंट दिया है उसमें आपको वाई ऐड करना है। सिंपल सी बात है, आपकी वोवल और कॉन्सोनेंट मैंने पढ़ाई हूँ। कॉन्सोनेंट क्या है, देखिए सी की सिटी, इसमें आप क्या जुड़े हैं, वाई ना। बेबी बेबीज, आर्मी आर्मीज, चेंज द वाई टू आई एस, वाई से भी चेंज करना है और आई एस से भी चेंज करना है। नाउन्स एंडिंग विद इन वोवल प्लस वाई, वोवल रहेगा और लास्ट में आपको वाई जोड़ना है। तो बॉय बॉयज, देखो ओ हमारा वोवल है और कॉन्सोनेंट दिया है, वाई जोड़ा गया है। मंकी मंकीज, टॉय टॉयज। These nouns do not follow any of the rules given on the previous page, so we remember their singular and plural form. आपको singular form दिया गया है और plural form। देखिए इसमें child है, child means एक बच्चा है। Children यानी बहुत सारे बच्चे के बारे में बात हो रही है। Foot का fit होता है, use का use होता है, man का man होता है। Singular में देखो mouse, mice, ox, ऑक्सेन, पिग, ह्यूमन, ह्यूमन, ठीक है। डियर शिप एंड फिश हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एज वेल एज द प्लूरल, वो सिंगुलर में भी आते हैं प्लूरल में भी आते हैं। आई सॉ अ डियर इन द जू, सिर्फ डियर की बात हो रही है ना, एक डियर देखा उसने जू में, तो ये सिंगुलर है। आई सॉ मैनी डियर इन द जू, बहुत सारे डियर देखे, तो इससे ज्यादा है तो ये प्लूरल है। द बॉल इन द शेप, एक शिप को मारा उसने, तो सिंगुलर। द बॉल किल्ड थ्री शिप्स, थ्री मतलब एक से ज्यादा गिनती हो गई है, ये प्लूरल में आया है। वी कॉट अ फिश, सिंगुलर ना, वी कॉट अ नंबर ऑफ फिश, ये आपका प्लूरल हो गया। बट समटाइम्स वी यूज फिशेस आल्सो, कुछ तो कभी कभी फिशेस भी यूज करते हैं। वी सॉ वैरायटी ऑफ फिशेस इन द टैंक, मैंने टैंक में बहुत सारे वैरायटी ऑफ फिशेस देखे, मछलियां देखी। फिशेज सजेस्टेड डिफरेंट काइंड ऑफ फिशेज, यानी मछली अपने विभिन्न प्रकार के बारे में बता रही थी, हमें बहुत सारी जाति के बारे में बता रही थी। फ्रूट इज यूज इन द सिंगुलर, फ्रूट हमेशा एक सिंगुलर में होता है, लेकिन फ्रूट इज गुड फॉर अवर हेल्थ, बट वी डू नॉट यूज फ्रूट्स व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट दिया था कि तो सही बात है कि एक फ्रूट के बारे में बात नहीं हो रही, बहुत सारे फ्रूट्स के बारे में बात हो रही। I saw impressed by a variety of foods on the table. देखिए यहाँ पर दिया गया है variety of foods, तो food की variety के बारे में बताया गया है। Scissors, trousers, shorts, scalpels, and always used in the plural. ये हमेशा से ही इसी plural में ही use होता है इन शब्दों का, ठीक है? These scissors are quite sharp. My trousers have been torn. Her scalpels were broken. Small
रहेंगे हमेशा, सिंगुलर में रहेंगे हमेशा, ठीक है। अब इसमें आज अब देखिए आपको इसमें कुछ डाउट नहीं है, सिंपल सा तरीका है, ये आप पढ़ते आ रहे हैं। और अब अगर हमारा क्या कहता है प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, कॉल भी करिए मुझे और मुझे बुक पे भर के दिखाइए अपने कि आपने कैसे कैसे वो चीजें की हैं, जो भी गलत रहेगा उसे मैं सही तरीके से फिर छोटा सा वीडियो बना करके आपको समझाऊंगा। ओके, थैंक यू बेटा, टेक केयर।